हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं नर्सिंग बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं हम, एंड सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन। बीएससी फर्स्ट ईयर जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है अप्रैल 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये नर्सिंग फाउंडेशन। एंड मार्क्स इसमें रहेंगे 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा टोटल। एंड क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा विजिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रीड करके बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन द नर्सिंग एंड राइट द क्वालिटीज ऑफ अ नर्स। सेकंड है इसमें, डिफाइन हॉस्पिटल एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द नर्सिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसीजर। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन वाइटल साइन, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन द पल्स एंड एक्सप्लेन द अल्ट्रेशन इन द रेस्पिरेशन। लास्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन में, इन लिस्ट द साइट्स ऑफ पल्स। थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें, डिफाइन कम्फर्ट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिक्स। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी। इसके बाद आता है इसमें फोर्थ क्वेश्चन, इन लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ वाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाउंड हीलिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में, डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें, डिफाइन प्रेशर अल्सर एंड डिस्कस इट्स कॉजेज। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर अल्सर। एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एनी फोर। पांच क्वेश्चन दिए हुए हैं, पांच में से किन्हीं चार पर आपने शॉर्ट नोट लिखने हैं। फर्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेकंड है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, थर्ड है फिजिकल एग्जामिनेशन, फोर्थ है पल्स ऑक्सीमीटर, एंड फिफ्थ है इसमें एम्बेलमिंग। तो कोई भी चार पर आपने शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो टोटल क्वेश्चन पेपर है ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन क्वेश्चन पेपर को ज़रूर रेडी कर लीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। जिन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। आप इन क्वेश्चन को हमेशा रेडी करके रखिए आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।